अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। धन्यवाद साथी। यहाँ पर आज के प्रदर्शन में शामिल तमाम छात्र बताएं क्या मामला लेकर आए अभी आप यहाँ पर। हम यहाँ कलेक्टर ऑफिस में एक मामला लेकर आए जो स्टूडेंट से लेकर है। हमारे छात्रवृत्ति और आवास योजनाएं बहुत लेट आती है, अलग अलग किस्तों में आती है, जिसे हम एडमिशन फॉर्म के लिए हम वेट करते हैं कि हमें छात्रवृत्ति आएगी और हम उसी से एडमिशन फॉर्म भर पाएंगे, बट ऐसा नहीं हो पाता। हमारी छात्रवृत्ति लेट आती है और एडमिशन फॉर्म निकल जाता है और हम सही टाइम पे एडमिशन फॉर्म नहीं भर पाते। हम तो एक सत्र में यही आवास लगा के बैठे रहते हैं कि छात्रवृत्ति आएगी लास्ट में, तब हम अपना आवास फॉर्म से पैसे से उसी से अपना एग्जाम फॉर्म डाल पाएंगे, पर ऐसा नहीं हो पाता। हमारी जो एग्जाम फॉर्म निकल जाती है पर छात्रवृत्ति नहीं आती है। एक सत्र पूरा निकल जाता है, दूसरे सत्र में छात्रवृत्ति आती है। कभी कब से नहीं आई छात्रवृत्ति आपकी? हमारी मतलब हम है ना, मेरी खुद की छात्रवृत्ति अभी बहुत लेट आई थी फर्स्ट ईयर की। पूरे 2 साल में मेरी छात्रवृत्ति आई है, पूरा 2 साल में। मैंने वो भी SC ST विभाग में जाके बार बार मुझे निवेदन करना पड़ा और वहाँ पे जाती थी, जब एक ही आश्वासन दिया जाता था मेरे को, बोले आपका आप छात्रवृत्ति फॉर्म डल जाएगा, आपका पैसा भी मिल जाएगा, आपका छात्रवृत्ति का आपका आवास का पैसा मिल जाएगा। बट अभी पोर्टल चालू नहीं है भोपाल से, उस पोर्टल के सहारे हमारी छात्रवृत्ति अभी तक नहीं आती। हम हमेशा मांगे लेके जाते हैं, हमको आश्वासन दिया जाता है कि आपका सही टाइम पैसा वर्क किया जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम विश्वास के साथ कहते हैं कि है ना, हमारी सरकार से हम निवेदन करते हैं कि हमारी छात्रवृत्ति, हमारी आवास योजना, हमारे कॉलेज से मिस्टेक बहुत सारी निकाल देते हैं। हम परीक्षा की तैयारी करने की जगह इधर से उधर चक्कर ही काटते रहते हैं, चाहे उज्जैन यूनिवर्सिटी का हो, चाहे KP कॉलेज हो, चाहे कलेक्टर ऑफिस हो, हम इधर से इधर चक्कर काटते रहते हैं, पर हम पढ़ाई का ध्यान ना जाते हुए हम इन पर ध्यान देते हैं, ऐसा क्यों है? क्या नाम है आपका? धनकर मालवीय मेरा नाम, और मैं BA फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं KP कॉलेज से हूँ, मध्य प्रदेश MP से। बताएं क्या मामला लेकर आए आज आप? आज हम यहाँ पर ये स्कूल और कॉलेज के छात्र उपस्थित हुए हैं, और एक लंबे समय से जो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मामला चल रहा है कि जो छात्र हैं उनका पूरा सत्र बीत जाता है, लेकिन ना तो उनकी स्कॉलरशिप टाइम पर आती है और ना ही उनकी आवास योजना की जो राशि मिलती है वो टाइम पर आती है। इस कारण कई सारे छात्र परेशान हो रहे हैं, अभी देख रहे हैं कई सारे छात्र देवास में जो पढ़ते हैं ज़्यादातर वो गरीब और किसानों मजदूरों के बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर आकर, गाँव से दूर दराज से लोग पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं छात्र, लेकिन ना तो इनको स्कॉलरशिप टाइम पर आती है और ना ही इनकी आवास योजना टाइम पर आती है। इस कारण कई छात्र मानसिक तनाव से भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि लगातार उनके रूम रेंट से यहाँ पर रहते हैं तो रूम मालिक भी परेशान करते हैं, एग्जाम फॉर्म का फॉर्म डालना रहता है उसके लिए भी पैसा छात्रों के पास नहीं रहता है। तो ये जो छात्रवृत्ति दी जाती है छात्रों को ताकि छात्रों की एक सहायता हो पाए, उस रूप में छात्रवृत्ति दी जाती थी, लेकिन अभी लंबे समय से लगातार देख रहे हैं इसकी कोई निश्चित टाइम नहीं है कि कब छात्रवृत्ति आएगी। और इसी की तरफ देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जब छात्र आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों को बोला जा रहा है कि हमारे पास बजट नहीं है, बजट आएगा तब हम छात्रों को छात्रवृत्ति देंगे, लेकिन एक हम लोग देख रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चुनावी समय है और चुनाव में जो हमारे मामा जिनको कहे जाते हैं और जिनके भांजे भांजे आज यहाँ पर खड़े हैं आए हैं छात्रवृत्ति की मांग को लेकर, वो महिलाओं को लाडली बहना योजना के नाम पे तो 2000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन ये जो छात्र हैं यहाँ पर जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो इस आने वाले देश का भविष्य है, उनके लिए सरकार के पास स्कॉलरशिप के रूप में बजट नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर मांग करने के लिए आए कि जो छात्रों की छात्रवृत्ति और आवास योजना की जो राशि है उसको अविलंब भुगतान किया जाए, इस मांग को लेकर आज हमने यहाँ पर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद प्रजापति, छात्र संगठन IDSS।